हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल्स का सेट नंबर इलेवन तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है ओके okay. सो so ये आपके पास पजल दी हुई है इसका आप स्क्रीन ले लीजिए अब इसको एक बार ट्राई करिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ देखिए ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस टाइम से बोला है कि इलेवन स्टूडेंट्स वेन टू मैकडोनल्ड टू सेलिब्रेट आ फ्रेंड्स बर्थडे ओके इलेवन स्टूडेंट हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दे ऑल सेट डाउन अराउंड सर्कुलर टेबल विच हैज ओनली एट सीट्स और यह सब एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ जाते हैं जिसमें सिर्फ एट सीट्स हैं ठीक है उसके बाद आफ्टर ईटिंग दे ऑल कंट्रीब्यूटेड फॉर द बिल इन द मल्टीपल ऑफ हंड्रेड ओके सो अभी तक उन्होंने क्या बताया कि इलेवन स्टूडेंट हैं ठीक है जो कि एट सीट्स पर बैठे हुए एक सर्कुलर टेबल पर एट सीट्स हैं उस पर बैठे हुए हैं ठीक है और खाना खाने के बाद इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा बिल के लिए जो कि मल्टीपल में किससे हंड्रेड के ठीक है उसके बाद आगे इसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए ठीक तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशनस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे तो देखिए ओके सो मैं एक काम करता हूँ दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ आपके पास सीट्स कितनी है एट सीट्स है ना तो एक पॉसिबिलिटी और एक और पॉसिबिलिटी ठीक है हमेशा एग्जाम में भी कम से कम दो पॉसिबिलिटीज लेकर क्वेश्चन को करिएगा ठीक है ओके okay. तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला कि राइट ऑफ द सीट ऑफ दन कंट्रीब्यूट रुपीज नाइन हंड्रेड उसने बोला कि ए कहां पर बैठा है सिक्स टू द राइट उस पर्सन से जिसने नाइन हंड्रेड कंट्रीब्यूट किए मतलब क्या 900 हंड्रेड जिसने कंट्रीब्यूट किए उसके सिक्स राइट right में मतलब क्या इन दोनों के बीच में कितने होंगे पांच लोग होंगे यहां पर कौन होगा ए ठीक है उसके बाद बी इज सिटिंग ऑन अ सीट एडजेसेंट टू ए बी कहां पर है ए के एडजेसेंट है ठीक है उसके बाद सी इज सिटिंग ऑपोजिट टू एस हु कंट्रीब्यूट्स हाफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई पी ओके उसने क्या बोला कि सी ऑपोजिट है किससे एस से और एस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हाफ द अमाउंट ऑफ पी ठीक है उसके बाद द वन हु कंट्रीब्यूट द हाइएस्ट अमाउंट इज नॉट सिटिंग अराउंड द टेबल ओके और उसने क्या बोला कि जिस पर्सन ने हाइएस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो टेबल पर नहीं बैठा हुआ है ठीक है उसके बाद पी कंट्रीब्यूट रुपीज एट हंड्रेड पी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया एट हंड्रेड इसका मतलब एस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा फोर हंड्रेड और उसके बाद एंड इज सिटिंग ऑन अ सीट दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड एस एस सीट ओके और उसने बोला कि वो सीट के बीच में बैठा है किससे ए और एस के सो so इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं पी की तो पी ए और एस के बीच में बैठा हुआ है लेकिन उसने यहाँ पर इमीडिएट की बात नहीं करी है उसने बस बोला एग्जैक्टली exactly बीच में मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए यहां पर हो एक दो पर्सन पी फिर एक दो पर्सन एस ठीक है ऐसा भी हो सकता है इस चीज का ध्यान में रखिएगा उसके बाद देयर वॉज वन वैकेंट सीट ओके इन सब में एक वैकेंट सीट भी है ठीक है उसके बाद बी कंट्रीब्यूट मोर देन द अमाउंट दैट ऑफ ए एंड डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु कंट्रीब्यूट द लोएस्ट अमाउंट ओके और उसमें बोला कि बी ए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और बी कहा नहीं बैठा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन जिसने लोएस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट किया ठीक है उसके बाद इफ टी सेट्स अराउंड द टेबल देन द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स रुपीज टू हंड्रेड डेट ओके और इफ टी इन दैट केस टू हंड्रेड वाला सेट नहीं करेगा ठीक है उसके बाद क्यू कंट्रीब्यूट्स हाफ द मनी एज दैट ऑफ ए क्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है ए का हाफ कंट्रीब्यूट करता है ठीक है उसके बाद C contributes more than P. C P से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसने हमें ये चीज बोली C P से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ठीक है उसके बाद द पर्सन नेक्स्ट टू सी कंट्रीब्यूट रुपीज थ्री हंड्रेड ओके सी का जो नेबर है ठीक है वो थ्री हंड्रेड कंट्रीब्यूट करता है उसके बाद द वन हु कंट्रीब्यूट द लोएस्ट अमाउंट इज नॉट ऑपोजिट टू ओके के ऑपोजिट लोएस्ट अमाउंट वाला नहीं है ठीक है उसके बाद टी कंट्रीब्यूट लेस देन ए बट नॉट 500 हंड्रेड ओके टी कंट्रीब्यूट करता है कितना लेस देन ए लेकिन टी 500 हंड्रेड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उसके बाद देयर इज नो वैकेंट सीट एडज टू ए सीट ओके और उसने कहा कि ए के सीट के बगल में वैकेंट सीट नहीं है ठीक है उसके बाद इंडिविजुअल डोनेशन कैन नॉट एक्सीड रुपीज थाउजेंड ओके मतलब क्या कि थाउजेंड से ज्यादा किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है ठीक है उसके 100, 300. Okay. मतलब क्या? जिसने हंड्रेड रुपीज कंट्रीब्यूट किए वो थ्री हंड्रेड वाले के एडजेसेंट है ठीक है यहां तक आई होप सारी कंडीशंस आप लोगों को क्लियर हुई होंगी है ना अब इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं ओके okay. सो so, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो थाउजेंड रुपीज से ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है और सब के सब हंड्रेड के मल्टीपल में है फाइन और अगर मैं देखूँ तो पी का कंट्रीब्यूशन कितना है एट हंड्रेड है है ना और उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या कि सी का कंट्रीब्यूशन पी से ज़्यादा है अब सी का कंट्रीब्यूशन अगर पी से ज़्यादा है तो वो क्या हो सकता है नाइन हंड्रेड होगा क्या नहीं होगा ना उसने बोला है क्या कि थाउजेंड से ज्यादा नहीं है और जो बैठा मतलब तो होगा ना, तो मतलब हो तो हो 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 ना सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा नाइन हंड्रेड ठीक है अच्छा अब इसके आगे देखिए अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूं तो देखिए मान लेते हैं कि आपका ए यहां है ठीक है इन दैट केस अगर मैं इन हंड्रेड को पुट करना चाहूंगा मतलब क्या सी को अगर पुट करना चाहूंगा तो कहां पर पुट कर सकता हूं यहीं पर तो कर सकता हूं ना देखिए सी के सिक्स राइट में अगर मैं देखो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कौन है ए है ठीक है ये कौन है जिसने नाइन हंड्रेड कंट्रीब्यूट किया है एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ए यहां पर और सी यहां पर इसने कितना नाइन हंड्रेड कंट्रीब्यूट किया है ठीक है अब देखिए उसने क्या बोला था कि सी के सामने कौन है उसके ऑपोजिट एस है इसका मतलब एस कहां पर होगा यहां पर होगा एस और यहां पर होगा एस ठीक है और उसने क्या बोला था कि ए और बी दोनों साथ में है इसका मतलब क्या है? इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना या तो आपका बी यहां पर होगा या फिर बी आपका यहां पर होगा ठीक है क्लियर है ना ओके अब इसके बाद देखिए उसने क्या बोला था कि पी ए और एस के बीच में बैठा हुआ है इट पी ए और एस के बीच में इसका मतलब क्या है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखता हूं इन दैट केस पी आपका यहां आ सकता है ए और एस के बीच में ही तो है ना यहां से देखिए एक दो और यहां से देखिए एक दो ठीक है तो बीच में है ना अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका पी कहां कहाँ आ सकता है एक आपका पी यहां आ सकता है अगर मैं इस साइड से देखू वन टू और वन टू ठीक है और आपका एक बार पी यहां भी तो आ सकता है ना तो एक काम करते हैं पहले हम इस वाली पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं ठीक देखिए है। हम एक चीज जानते हैं कि पी ने एट हंड्रेड रुपीज कंट्रीब्यूट किए ना ठीक है यहां पर भी एट हंड्रेड रुपीज कंट्रीब्यूट किए ठीक है अगर मैं यहां पर देखू एस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है एस ने फोर हंड्रेड रुपीज कंट्रीब्यूट किए ठीक है अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि सी का नेबर कौन है थ्री हंड्रेड वाला है ठीक है सी का नेबर कौन है थ्री हंड्रेड वाला है तो यहां तो थ्री हंड्रेड आ नहीं सकता है तो थ्री हंड्रेड कहाँ आ सकता है यहां पर मैं पुट करा सकता हूं यहां पर मैं पुट करा सकता हूं इज एंटेड अगर मैं थ्री हंड्रेड को यहां पर पुट करा देता हूं इन दैट केस क्या होगा आपका ए हंड्रेड रुपीज हो जाएगा क्यू क्योंकि हम जानते हैं क्या थ्री हंड्रेड और हंड्रेड क्या दोनों नेबर्स हैं इज एंटेड ये क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं यहां पर थ्री हंड्रेड पुट कराता हूं तो ये हंड्रेड हो जाएगा लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि क्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है ए का हाफ इजेंटेड अगर मैं ए को हंड्रेड ले लेता हूं तो क्यों कितना कंट्रीब्यूट करेगा फिफ्टी फिफ्टी तो यहां पर हो नहीं सकता है ना सब क्या है हंड्रेड के मल्टीपल में एजेंटेड ये चीज़ समझ में आई ना इसका मतलब क्या है कि आपका थ्री हंड्रेड यहाँ नहीं हो सकता थ्री हंड्रेड यहाँ नहीं हो सकता अच्छा क्या आपका थ्री हंड्रेड यहां पर हो सकता है अगर मैं इनकेस थ्री हंड्रेड को यहाँ पर पुट करता हूँ तो उसने क्या बोला था कि सी का नेबर कौन है थ्री हंड्रेड है है ना तो ये वाला आपके पास वैकेंट हो जाएगा उस केस में अगर ये वैकेंट हो जाएगा उसने हमसे मना करा हुआ है क्या कि ए का नेबर वैकेंट नहीं है इसका मतलब क्या है ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी तो इसमें मैं कहीं पर भी थ्री हंड्रेड वाले को पुट नहीं कर सकता हूं ना इज इट सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखता हूं अब देखिए मैंने क्या करा आ, यहां पर मैंने पुट करके देखा नहीं आया और कहीं इसमें तो आ ही नहीं सकता है ठीक है यहां पर अगर मैं देखता तो यहां पर आ नहीं सकता यहां पर नहीं आ सकता और वो सी के क्या है नेबर है इसका मतलब क्या है इस पॉसिबिलिटी में भी आपका 300 नहीं आएगा तो अब हम क्या करेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बची है ना कि अगर आपका पी यहां पर आता है तब देखिए ओके सो अगर हम पी को यहां पर पुट करते हैं पी कितना कंट्रीब्यूट करता है एट कंट्रीब्यूट करता है अब अगर मैं थ्री की बात करूं तो देखिए आपका 300 हंड्रेड यहां पर आ नहीं सकता है क्यों नहीं आ सकता है क्योंकि अगर ये 300 होगा इन दैट केस ए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और अगर ए 100 हो गया तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है कि थ्री को हम यहां पर चेक करते हैं अगर हम थ्री को यहां पर पुट करते हैं इन दैट केस हंड्रेड यहां पर आ जाएगा इज इन लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि ए के ऑपोजिट में लोएस्ट नहीं है मतलब हंड्रेड नहीं हो सकता ना ए के ऑपोजिट में इसका मतलब क्या है ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर यह पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो 300 यहीं पर आएगा और कहीं आ नहीं सकता है और अगर 300 हंड्रेड यहां पर आएगा तो यहां पर क्या होगा वैकेंट होगा क्योंकि उसने बोला है क्या कि 300 वाला सी का नेबर है इज इन अच्छा अगर थ्री हंड्रेड यहाँ पर आएगा तो हंड्रेड कहाँ पर आएगा हंड्रेड आएगा यहाँ पर और कहीं आ नहीं सकता है अब देख लीजिए ये सब आपके क्या हो गए पुट हो गए ना अब हम एक काम करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन को और चेक कर लेते हैं देखिए ओके है। तो अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है ट्वाइस क्यों है यहाँ से अगर हम देखें ना ए का कंट्रीब्यूशन कितना है ट्वाइस है मतलब क्या अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है अगर ए का कंट्रीब्यूशन टू हंड्रेड रुपीज़ हुआ इन दैट केस क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना होगा हंड्रेड होगा ये पॉसिबिलिटी है ठीक है ए का कंट्रीब्यूशन थ्री हंड्रेड हो सकता है क्या नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि उस केस में क्यू कितना हो जाएगा वन फिफ्टी वन फिफ्टी हो नहीं सकता है अच्छा फोर हंड्रेड हो सकता है क्या अगर ये फोर हंड्रेड होगा इन दैट केस ये कितना होगा टू हंड्रेड होगा अगर मैं फोर हंड्रेड की बात करूँ तो फोर हंड्रेड तो ऐसे है ना ये हो नहीं सकता इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है उसके बाद 500 हो नहीं सकता है अगर ये मैं 600 लेता हूँ इन दैट केस क्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ठीक है ना अब इसके बाद सेवन हंड्रेड नहीं हो सकता एट हंड्रेड की बात करूँ तो एट हंड्रेड नहीं हो सकता क्योंकि वो पी है और अगर मैं नाइन हंड्रेड की बात करूँ वो भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो सी है तो हमारे पास यही दो पॉसिबिलिटीज़ बची ना इज एंड अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूँ इसका मतलब क्या हुआ कि ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू हंड्रेड रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्यूँ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हंड्रेड रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है इज इंड्रेड लेकिन उसने हमसे एक चीज बोली थी क्या कि टी ए से कम कंट्रीब्यूट करता है अगर टी ए से कम कंट्रीब्यूट करता है तो वो कितना करेगा हंड्रेड ही तो करना चाहिए था ना और तो कोई यहाँ पर हंड्रेड के मल्टीपल में है नहीं लेकिन हंड्रेड यहाँ पर कौन हो गया क्यों हो गया जो कि पॉसिबल है नहीं इसका मतलब क्या है कि ये वाली भी कंडीशन आपके पास गलत होगी तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी आपके पास बची मतलब क्या ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा सिक्स हंड्रेड रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा इन दैट केस आपका थ्री हंड्रेड कौन कंट्रीब्यूट करेगा क्यू करेगा ठीक है अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो टी कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें यह पता है क्या कि टी ए से कम कंट्रीब्यूट करता है ठीक है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज़ होने सकता है टी उसने मना करा हुआ है हाँ थ्री हंड्रेड की अगर बात करूं तो वो क्यू हो गया नहीं हो सकता फोर हंड्रेड ऐसा हो गया नहीं हो सकता फाइव हंड्रेड के लिए उसने यहां पर ऑलरेडी मना करा हुआ है ठीक है तो क्या बचा सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड होने सकता है क्यों क्योंकि सिक्स हंड्रेड तो ऑलरेडी ए है ना तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आई क्या कि टी कितना होगा आपका हंड्रेड रुपीज़ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा अब आपके पास क्या रह गया आपके पास बी का कंट्रीब्यूशन रह गया ना तो बी का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है हम जानते हैं हमारे पास देखिए हंड्रेड हो गया ठीक है टू हंड्रेड नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टी आ गया फाइन इसके बाद आपके पास थ्री हंड्रेड यहाँ हो गया है फोर हंड्रेड यहाँ हो गया फाइव हंड्रेड की अगर बात करूँ तो फाइव हंड्रेड नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसने बोला है कि बी का कंट्रीब्यूशन ए से ज्यादा है 500 नहीं हो सकता 600 नहीं हो सकता 700 हंड्रेड हां सेवन ही बचा है क्योंकि आपके पास फिर 800 हंड्रेड यहाँ हो गया और 900 हंड्रेड हो गया तो बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा 700 हंड्रेड कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यह फसल हमने किस तरीके से की है थैंक यू सो मच